हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अशोक टूब आपका हमारे चैनल द टू विलेजेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे कविता जो आज नहीं कल शादी है, तो आज भतवान होती है, एक प्रथा है यहां पर चलती है, तो उसके लिए बांस लिया जाता है, उसको गाड़ा जाता है, जिसको हम माड़ो बोलते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और क्या क्या इसकी प्रथा है वो भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी लोग हैं। देखिए, मैं वो सब का बेटा। हेलो, प्रमुख लहला का समन्वय खड़ा है। ये है लोहार, है ना? लोहार ना? अच्छा, शर्मा। तो इसको काटेगा कौन? ये है हमारे मामा, ये है हमारे लड़के, ये है हमारे जिनकी शादी हो रही है उनके भाई हैं। तुम्हारे छोटे भाई यार बोलो। हाँ, तुम्हारे छोटे भाई। हाँ, हमारे छोटे भाई हैं, तो मामा के लड़के हैं, हमारे भाई ही हैं, ये भी भाई ही हैं। छाए हो कि ना है? विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा, ये विश्वकर्मा इनको गढ़ेंगे। ये कितने फुट तक का लगेगा? पंद्रह फुट तक का लगेगा। मतलब ये बांस को, जो आप ये बांस देख रहे हो, मैं आपको सीधा बैक कैमरे पे लेके चलता हूँ। और आप यहाँ देखेंगे तो गुजरात में आपको काफी छोटे बांस मिलेंगे, काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ के जो यूपी के जो हमारे गांव के बांस होते हैं काफी लंबे होते हैं। ये देखिए, ये दिखा दे पूरा एकदम, ये दिखा दे, ये दिखा दे ऊपर। हाँ, ये देखिए, ये देखिए ऊपर वाला, ऊपर वाला। और ये एक प्रकार का यहाँ पर बगीचा जैसा है और काफी यहाँ पे शांति रहती है और काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर काफी शुद्ध हवा है गांव में। तो फ्रेंड, यहाँ पर होता क्या है कि जिसकी शादी होती है तो उसके उसके हाथ से, जो आप ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा है ना, ये जो डंडा आप देख रहे हो, तो उनके हाथ से नाप करके फिर उतना, कितना? नौ हाथ। कितना हाथ लिया जाता है? नौ हाथ। तो नौ हाथ लेकर के वहां से बांस को काट दिया जाएगा और फिर जब मड़वा जहां गड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूं सीधा जब मड़वा गड़ेगा वहां पर। तो इस बांस की आप लंबाई देखो, यही वाला कटेगा ना, इसकी लंबाई देखो कितनी है। अरे इतना बहाद है माधवा नहीं कि कहीं पंडित महाराज छोट के डाला फल खावा है। छोटना रखी है तू? पापा हो? बड़ा हिसाब से